डियर स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज या फिर स्टेट पीसीएस के पहले स्टेज को क्लियर करने के बाद जैसे ही आप दूसरे स्टेज में पहुंचते हैं यानी मेंस के स्टेज में, तो आपको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या है इस स्टेज का डिस्क्रिप्टिव होना, यानी हर क्वेश्चन को कुछ लाइनों में, कुछ पेजेस में लिखना, जिसका हैबिट आपको नहीं रहा है। आप प्रीलिम्स निकाल कर बड़े खुश होते हैं, लेकिन मेंस का ये डिस्क्रिप्टिव होना, विश्लेषणात्मक इसका चरित्र होना आपके लिए चिंता का कारण बन जाता है, क्योंकि आपने कभी लिखा ही नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस आपने किया ही नहीं। इसलिए इस स्टेज में आपके लिए सबसे बड़ा कंसर्न होता है राइटिंग स्किल का डेवलप्ड ना होना। ऐसा क्यों होता है? आपको आदत चुके नहीं रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिछली बार कब आपने एक पेज लिखा है, तो आप समझ में पड़ जाएंगे। और जब आपने राइटिंग स्किल को डेवलप ही नहीं किया, राइटिंग प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो फिर इस स्टेज में आपके लिए बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन इसका निवारण है, इसे दूर किया जा सकता है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन वे लिख नहीं पाते। वे कहते हैं कि हमें सब कुछ याद है, हम जानते हैं, लेकिन हम लिख नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिख तो नहीं पाते, उनके पास नॉलेज की भी कमी होती, यानी फैक्ट्स, पॉइंट्स, तथ्यों का ज्ञान उनके पास नहीं होता, इसलिए वे नहीं लिख पाते। तो दो तरह की बातें होती हैं। एक, आप सब कुछ जान रहे हैं लेकिन आप लिख नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि वो जान नहीं रहे होते हैं। तो आप में से ऐसे कई कई सारे लोग हैं जो इन दोनों ही कारणों से, या कहें कि प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। तो इसका निवारण है, आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, इस पर पूरा फोकस्ड होते हैं, इस पर ध्यान देते हैं, तो इसे दूर किया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो, इसके मोटे तौर पर तीन पार्ट हमें दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का आप सामना कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन में तीन उसके मोटे पार्ट तो जरूर दिखाई देते हैं। एक, उसका इनिशिएशन, उसका प्रारंभ, उसका इंट्रोडक्शन। दूसरा, उसकी बॉडी यानी उसके पॉइंट्स, उसके तथ्य, उसका वर्णन। और तीसरा, फाइनली उसका कंक्लूजन। अगर आप स्टार्ट अच्छा ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा डाल देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बीच में आप थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं पॉइंट्स को। अगर आप कारणों को लिख रहे हैं, तो बाद के कारण को पहले भी लिख सकते हैं, पहले वाले कारण को बाद में भी लिख सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्ट अच्छा ले लिया है और लास्ट में कंक्लूजन आपने अच्छा छोड़ दिया, तो एग्जामिनर पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको जान नहीं रहा है, वो आपकी लेखनी से ही आपकी पहचान करता है। वो समझ लेता है कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है, कितना उसके पास नॉलेज है, किस ढंग से उसने लिखा है, और फिर उसी हिसाब से नंबर्स मिलते हैं। तो हम कहेंगे कि एक्सप्लेनेटरी सेक्शन में, इस मेंस के इस सेकंड स्टेज में, आपको इस स्किल को डेवलप करना चाहिए। यह हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप फैक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, और फिर उन फैक्ट्स को पॉइंट वाइज स्टेटिफिकेशन करके, उसका स्तरीकरण करके, फिर उसे आप एक्सप्लेन करके, एक कंक्लूजन छोड़कर आप उसके आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न को जब लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेंस के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, तो आपके पास राइटिंग स्किल्स का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए इस बार जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने भी ये डिसाइड किया है कि आपके दो पक्ष पर, दो सेक्शंस पे हम फोकस्ड रहेंगे, हम उस पर, आप पर कड़ी नज़र रखेंगे। इस क्षेत्र को हम को के साथ हम आपके साथ हर पल रहेंगे। इस क्षेत्र में हम चाहेंगे कि आप इम्प्रूव करें अपना जहां तक संभव हो, क्योंकि अगर ये दो सेक्टर्स को आपने संभाल लिया, तो आप जान लें कि एग्ज़ाम में आपने बाजी मार ली। ये दो सेक्टर्स हैं, एक तो राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चंस को आप कितने अच्छे से लिख पाते हैं, और दूसरा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। अगर आप राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, आपकी लेखन शैली विकसित हो जाती है, थोड़ा रास्ते पे आ जाती है। विकसित होने का मतलब है कि रास्ते पे आ जाए, आप क्वेश्चंस को लिख पा रहे हो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर, उसके लैंग्वेज को विस्तार देकर, उसका कंक्लूजन कर, आप क्वेश्चंस को कंक्लूड कर पाते हैं, और फिर स्टैट के क्वेश्चन को संभाल लेते हैं, तो एग्ज़ाम में आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इसलिए हम आपके साथ इस दो सेक्टर्स पे स्पेशली हम ध्यान देंगे और आपके साथ रहेंगे। कुछ चाहे हम ना देखें,
आप कहाँ कोचिंग में जा रहे हैं, आप कहाँ से नोट्स मंगा रहे हैं, किस बुक्स को आप पढ़ रहे हैं, अगर इन पर हम नहीं भी देख पाए तो हम आपके राइटिंग स्किल्स और स्टैटिस्टिक्स, इन दो सेक्टर्स को हमने फैसला किया है कि इस पर हमारा ख़ास ध्यान रहेगा, आप इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये बड़े काम का है। आप देखते होंगे कि बहुत सारा नॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा आपको दे जाते हैं, लेकिन लिखना तो आपको है, आपने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, कोचिंग क्लासेस बड़े अच्छे अच्छे कर लिए, लेकिन जब आपके लिखने की बारी आई तो आपका हाथ रुक जाता है। ये बड़ी समस्या है। और स्टैटिस्टिक्स पे हमने देखा है बहुत बड़ी संख्या में छात्र ये सोच लेते हैं कि मैथमेटिक्स हमारा कमज़ोर है, स्टैट हम छोड़ देंगे, ये एक सेक्शन बहुत बड़ा नहीं है, इसे छोड़कर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ लिखना है। तो हम इन दो सेक्टर्स पे आपके साथ हर समय रहेंगे, आपको इन दो क्षेत्रों पर खास ध्यान देना है। फैक्ट्स आप इकट्ठा कर लेंगे, क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान दे देंगे, नोट्स अच्छे ले लेंगे, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो आपका हाथ नहीं चलेगा। तो हम कहेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देना चाहेंगे। आपको टॉपिक्स दिए जा चुके हैं, आज से आपको मेंस के टॉपिक्स दिए गए हैं, ये आपको संडे नाइट में ये देखा जाएगा कि आपने कैसा लिखा है। आपको 1857 का महासंग्राम दिया गया है, अगर इसे लिखना हो 1857 के महासंग्राम को, तो इसका इनिशिएशन इस तरह से हो सकता है कि 1857 का महासंग्राम भारतीय जनता की पहली सशक्त अभिव्यक्ति थी। लंबे समय से चले आ रहे असंतोष को कुछ तात्कालिक कारणों ने हवा दी और फिर देखते ही देखते यह नवाबों, राजाओं और सरदारों के नेतृत्व में महासंग्राम बन गया। निसंदेह इस महासंग्राम को सैनिकों का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त था। हो गया, स्टार्ट मिल गया। अगर आप इस तरह के तीन चार लाइनों का स्टार्ट दे देते हैं तो फिर आपका हाथ खुल जाता है, उसके बाद आप लिखने लगते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या देखिए, बहुत बड़ी समस्या है, जब आप मेंस के एग्जाम देने जाएंगे तो आपका पहला लाइन ही आपसे लिखाएगा नहीं, लिखा नहीं जाएगा, आपके हाथ नहीं चलेंगे, क्योंकि स्टार्ट अच्छा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसे हम लोग दूर करेंगे, इसे दूर किया जा सकता है सिर्फ लेखन क्षमता का विकास करके, राइटिंग स्किल्स को डेवलप करके। और इसके लिए कोई आपको जाप नहीं करना है मंत्रों का, ना ही कोई बहुत बड़ा यज्ञ करना है, आपको दिन भर कुछ टाइम राइटिंग स्किल्स पे आपको ध्यान देना है, क्वेश्चंस को लिखना है, आप पॉइंट्स को कलेक्ट कर लें, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं 1857, तो उसके पॉइंट्स को, कारण को अगर आप लिख रहे हैं 1857 के महासंग्राम के कारणों को, तो उसका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक, सांस्कृतिक, यही सब कारण इसके हो सकते हैं। तो इन कारणों को आप पॉइंट वाइज आप नोट कर लें और उसे आपको डील करना है। फिर थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि देकर, थोड़ा सा इनिशिएशन लेकर, लास्ट में कंक्लूड कर क्वेश्चन को छोड़कर निकल जाना है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जिस पर आपको ध्यान देना है। ये हम बता देते हैं कि अगर इस पर आपने ध्यान दे दिया और इसका आपने थोड़ा सा इसको डेवलप कर लिया, तो ध्यान रखें कि इसमें आप मेंस में आप एक अलग तरह का प्रभाव छोड़ेंगे। तो राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है, ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आप रेगुलर आप लिखेंगे, आप रफ कॉपी ले लें, पेन उठाएं और किसी भी टॉपिक पर जिसे आपने पढ़ा है उसे आप खूब लिखें। आप प्रयास करें कि इसका स्टार्ट हम कैसे लेंगे, उसके बाद बॉडी को उसके कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फैक्ट्स को कैसे डालेंगे, तथ्यों को कैसे रखेंगे, और फिर फाइनल एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन का कंक्लूजन देकर आप निकल जाएंगे। तो इस पर आप खास ध्यान दें, हम आपके साथ रहेंगे इन दो सेक्टर्स पे। फिर स्टैटिस्टिक्स को हमने खास ध्यान दिया है कि ये सेक्टर ऐसा है जिस पर आपको काम करना है। इसमें आपको अभी पाई डायग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, दो सर्किल्स जो वृत्त चित्र है उसके दो कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ को एग्जाम के रूप में, एग्जाम में प्रश्न के रूप में आपके सामने रखा जाता है। तो इससे रिलेटिव आंसर्स कैसे हम निकालेंगे, इसमें दो चीज़ों को आपको खास ध्यान देना चाहिए, एक प्रतिशत और दूसरा एवरेज। परसेंटेज और एवरेज यानी प्रतिशत और औसत, ये आप मैथमेटिक्स में बनाते रहें, थोड़े बहुत इस पर आप एक्सरसाइज करें ज़रूर मैथमेटिक्स में। परसेंटेज और एवरेज यानी औसत और प्रतिशत, इसको आप ज़रूर मैथमेटिक्स में अलग से बनाएं, तभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे आसानी से बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में किस तरह के टफ क्वेश्चन आएंगे पाई डायग्राम से इसे हम लोग देखेंगे। इसलिए हमने अभी जैसे स्टार्ट लिया, आपको आसान क्वेश्चंस दिए हैं, हमने देखा कि कई लोगों ने बड़े सारे आंसर्स भी दिए हैं, सबके आंसर्स दिख रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस अभी आपसे बनेंगे, तो इस पर आप काम करें, धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चंस पे आएंगे और उनको जब आप बनाने लगेंगे तो पाई डायग्राम पर आपकी पकड़ हो जाएगी। एक क्वेश्चन 38 नंबर का, 38 मार्क्स का, इस पर आपका पकड़ हो जाना बहुत बड़ी बात है।
तो ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, ये राइटिंग स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, इस पर आपको खास ध्यान देना है। आप अगर लेखन शैली का थोड़ा सा विकास कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं और स्टैट पे पकड़ बना लेते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम में रास्ते खुले हुए रहेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा और रिजल्ट में अच्छे स्कोर्स आपके आ सकते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स को आप पीछे छोड़ सकते हैं अगर इन दो पे आप अच्छे से काम करते हैं। तो आप ध्यान रखें, हम लोग इस तरह से चलेंगे, इन दो सेक्टर्स पे हम आपके साथ विशेष रूप से रहेंगे और भी फैक्टर्स देखते हुए चलेंगे। आप सिर्फ लेबर को अपना गहना बना लें कि मेहनत में हमें किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना है, बाकी इस 4-5-6 महीने में अगर आप कुछ अच्छा बेस्ट आप दे जाते हैं तो इतना बड़ा एग्ज़ाम इतने बड़े पोस्ट के लिए हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, माइंडसेट अपना ऐसा रखें कि हमें अपने हर कमज़ोरी पर नज़र रखनी है और इसे दूर करना है। टेक केयर।